खुश रहें मुस्कुराते रहें और नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं खीरे के फायदे और नुकसान और इसे हमें कब कब खाना चाहिए और कौन सा टाइम खीरा खाने का बेस्ट है उसी के बारे हम, में आज हम लोग जानने वाले हैं तो खीरे तो आप सभी लोग खाते होंगे लेकिन इसके फायदे जानने के बाद क्या फायदे हैं तो उसके बाद आप कुछ ज़्यादा ही तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में लोग खीरा खाना बहुत ही पसंद करते हैं चाहे वो आप आ, हम लोग सुबह में खा लेते हैं या दोपहर में खा लेते हैं या कई लोग क्या कि सलाद के तौर पे खीरे का इस्तेमाल करते हैं तो खीरा एक अच्छा स्रोत है हमारे शरीर को फिट रखने के लिए तो इसी के बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या है तो पहला हम लोग फ़ायदा इसमें जान लेते हैं कि पहला फायदा ये हमारा है कि जो जिस हमें जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है गर्मियों के टाइम में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो खीरा हमारे जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को काफ़ी दूर करता है और ये हमारे शरीर में क्योंकि पानी की कमी को काफ़ी दूर कर देता है अगर आप पानी कम भी पीते हैं कई वजह से पानी नहीं भी पी पाते हैं खीरा खा लेते हैं तो ये काफ़ी मात्रा में आपका पानी की प्रॉब्लम को दूर कर देता है हमारा बेनिफिट इसका जान लेते हैं Uh, खीरा जो कि है हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट uh, भी जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि मास्क वगैरह मास्क हमारा फेस मास्क वगैरह रहता है तो उसमें भी जो हमारी कुम्बर यानी खीरे की एड uh, लगी रहती है उसकी इमेज लगी रहती है फोटो लगी रहती है खीरे का आप लोग ज़्यादातर देखते हैं कि लोग जो सैलूनस रहते हैं उसके अंदर जब भी हम फैश कोई फेसियल वगैरह कराते हैं तो खीरे का उपयोग वो लोग करते हैं आँखों के लिए ये बहुत ही अच्छा है ये हमारी आँखों को बिल्कुल क्या है कि ठंडा कर देता है और तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं खीरे के बारे में खीरे के अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर पाया जाता है तो फाइबर की कमी होती है तो वो खीरे से भी अच्छा खासा फाइबर प्राप्त कर सकता है खीरे का इस्तेमाल खीरे का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से खीरा खाने से क्या कि हमारा ये वजन कम करने में भी बहुत ही फायदेमंद है अगर आप खीरे का सेवन करते हैं और ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है आप ये स्किन जैसे कि मैंने आपको बताया स्किन के साथ साथ ये बालों के भी लिए भी बहुत ही फायदेमंद है तो खीरे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं खाते हैं तो ये हम हमारे स्किन और बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है तो चलिए अब बात करने कर लेते हैं हम लोग खीरे खाने का सही टाइम क्या है खीरा हमें कब खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए कौन सा टाइम हमारे लिए बेस्ट है जिस टाइम में हम खीरे को आ, किस टाइम में हम खीरा खा सकते हैं ताकि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद हो तो सुबह का आ, दस से दो बजे का जो टाइम रहता है दस से दो बजे के टाइम के बीच में आप अगर खीरा खाते हो तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इस इस टाइमिंग के अंदर ये बहुत ही आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है तो आप 10 से 2 के बीच में आप खीरे का सेवन कर सकते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि खीरा हमें कब नहीं खाना चाहिए खीरा हमें शाम के टाइम रात के टाइम हमें खीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका बेस्ट टाइम सुबह का सुबह से दस बजे से ले हमारा दो बजे तक दोपहर तक आफ्टरनून तक है तो आप 10 से 2 बजे के बीच में आप इसे खा सकते हैं रात को खाने से आ, खाने से इसे बचें अवॉइड करें रात को आप इसका सेवन ना करें तो बेहतर होगा और खीरा आप लोगों ने देखा होगा जब मार्केट में भी जो हमारे देसी खीरे आते हैं अभी तो बहुत सारे आ, जो चाइनीज खीरे हैं वो भी आने लगे हैं और देसी खीरे रहते हैं तो कई हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर से जो खीरे को कट करके हम लोग उसकी घिसते हैं तो उसमें वाइट वाइट सा झाग निकलता है वो क्यों हम लोग करते हैं क्यों ताकि उसकी जो कड़वाहट होती है वो निकल जाए और उसके करने के बाद भी अगर हमारा क्या है कि खीरा आ, कड़वा निकल जाता है तो कई लोग क्या होता है कि जो कड़वा खीरा रहता है उसको भी खा लेते हैं तो ये आ, खाने से आप बचें अगर खीरा कड़वा निकलता है तो आप उसे आ, ना खाएं तो बेहतर है और आ, खीरा ज़्यादातर लोग क्या है कि अभी आ, लाते हैं मार्केट से और इसको छिलकर जो खीरे छील का छिलका रहता है उसे उतार कर खा लेते हैं तो ये इसमें बहुत सारी अगर आप छिलका उतार के खाते हैं तो उसका बहुत सारा तो जो लोग छिलके उतार के खाते हैं तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप छिलका छिलके समेत खाएं क्योंकि उसी के अंदर सारा फाइबर हमारा मौजूद रहता है तो वही बेस्ट है तो मैं तो जब भी खाता हूँ खीरे को छिलके समेत ही खाता हूँ छिलके समेत अगर आप खाते हैं तो उसका टेस्ट भी थोड़ा कुछ अलग लगेगा एक आप छील के खा के देखना खीरा और एक विदाउट छिले हुए खा के देखना तो टेस्ट आपका दोनों अलग अलग लगेगा तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप छिलके समेत ही खीरा खाएँ तो बेस्ट है और जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएँ रहती हैं तो खीरा उन लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप खीरे का सेवन करते हैं तो आपकी पेट से जुड़ी काफ़ी समस्याएं दूर होने वाली हैं तो खीरा अभी आप जैसे कि गर्मियों का टाइम आ चुका है तो लोग बहुत खीरा खाना बहुत ही पसंद करते हैं तो आप जितना हो सके आप खीरा खाएँ खीरा हमारा बहुत अच्छा है एक फाइबर का और इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी मात्रा के अंदर हमें फाइबर मिलने वाला है और फाइबर मिलता है जिन लोगों को फाइबर की भी कमी रहती है तो वो खीरे का सेवन करके अपना जो फाइबर रहता है उसे पूरा कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है और लास्ट में अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही हेल्थ टिप्स वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पे मैंने और भी बहुत सारी जो हमारे हेल्थ टिप्स है बहुत सारी चीज़ों की जो जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने अपने चैनल पर दिखाई हुई है तो वो वीडियोज़ भी आप जाकर देख सकते हैं ताकि और अपने अपने यार मित्रों दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि जिन लोगों को आ, किन किन चीज़ों के क्या क्या बेनिफिट है तो हमेशा खुश रहें मुस्कुराते रहें और ऐसी हेल्थ वीडियो देखते रहें मेरे चैनल पे और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद